एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक का चैप्टर नंबर 9, विच इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको 5th और 6th चैप्टर नहीं आता है तो ये चैप्टर समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट अगर आपको वो चैप्टर आते हैं तो आप इजीली इस चैप्टर को उसके साथ कंपेयर कर पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे। चैप्टर 5 था लैपलेस ट्रांसफॉर्म और चैप्टर 9 है फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो कॉन्सेप्ट्स हमने वहाँ देखे थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे, बस फ़र्क ये रहेगा जहाँ वहाँ लैपलेस ऑपरेटर यूज़ होता था यहाँ पे फोरियर ऑपरेटर यूज़ होगा। मेजर जो चेंज होगा वो यही रहेगा, बाकी जो जैसे प्रॉपर्टीज़ वहाँ होती थी वैसे यहीं पर होंगी। तो अगर आपको वो चैप्टर आता है तो ये चैप्टर आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर टी। अब फंक्शन है टी का तो टी के लिए डिफाइंड होगा, तो इसमें टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ एफ टी। जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म में लिमिट कहाँ से होती थी टी की? जीरो टू इन्फिनिटी होती थी, और वहाँ पे हम उसको डिनोट कैसे करते थे? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी से डिनोट करते थे। यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो टी है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से बिलोंग कर रहा है। और अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो हम फंक्शन के आगे क्या लगा देते हैं? कैपिटल एफ लगा देते हैं। और बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसको? इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस टी इंटू डी टी। ये क्या है आपका? फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियरली द इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल इज़ अ फंक्शन ऑफ एस। ये भी किसका फंक्शन है? ये इंटीग्रल किसका फंक्शन है? एस का फंक्शन है, एंड कैन बी डिनोटेड बाय द सिंबल एफ डैश एस और सिंपली एफ एस। आप इसको एफ एस भी बोल सकते हो, एफ डैश एस भी बोल सकते हो, तो इस चीज़ को मैं एफ डैश एस भी लिख सकती हूँ, बाकी ये वैल्यू एज इज रहेगी। तो ये तो था किसका फॉर्मूला? फोरियर ट्रांसफॉर्म का। बट अगर इन्वर्स फॉर्मूला पूछ ले आपसे कोई कि इन्वर्स फॉर्मूला क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। इन्वर्स फॉर्मूले के लिए क्या होगा? एफ टी इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस। और क्या चेंज आता है? चेंज ये आता है कि ये जो फंक्शन है आपका ये किस में बन जाएगा? एस में बन जाएगा। एफ ऑफ एफ ये किस में बन जाएगा? एफ टी की जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये एफ डैश एस से e रेज टू द पावर आयोटा एस टी डी एस, और साथ में मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, दैट इज़ 1/2π। तो इन्वर्स फॉर्मूला इन्फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या है? 1/2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डैश एस ई रेज टू द पावर आयोटा एस टी डी एस। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ जगह आपको देखो, जैसे यहाँ पे इसका जो कॉफिशेंट है वो 1 है, यहाँ पे क्या है? 1/2π है। तो कुछ जगह आपको 1 और 1/2π की जगह क्या यूज़ हुआ मिल सकता है? रूट अंडर द रूट 2/π, अंडर द रूट 2/π दोनों जगह। कुछ ये यूज़ करते हैं कुछ ऑथर्स, और कुछ ऑथर्स ये यूज़ करते हैं। अगर आपकी पास ये वाली बुक नहीं है, कोई डिफरेंट बुक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ये हो। ओके, उसके बाद देखो, ये तो था सिंपल हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस एक्सरसाइज में हमें तीन ही चीज़ें पढ़नी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो, द इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन एफ टी वेयर। अब साइन ट्रांसफॉर्म के लिए जो फंक्शन एफ टी है उसमें टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता है तो हम सीधा एफ ऑफ एफ टी लिख देते, बट क्योंकि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो हम एफ के नीचे क्या लगा देंगे? एस। इसका मतलब क्या है कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है एफ टी का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया कि ये फंक्शन एस का है तो हम इसको एफ एस लिख सकते हैं। एफ एस तो नॉर्मली लिख सकते हैं, बट क्योंकि ये साइन है तो हमने इसके नीचे एस लगा दिया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेगी, एफ ऑफ टी एंड साइन ऑफ एस टी डी टी। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, सिंपल जो साइन सिंपल ट्रांसफॉर्म का, साइन ट्रांसफॉर्म का। अब साइन ट्रांसफॉर्म की भी इन्वर्स फॉर्मूला क्या होगा? देखो, एफ टी किसके इक्वल होगा? एफ एस इन्वर्स एफ एस ऑफ एस, ये किसके इक्वल होगा? इस वाले टर्म में एफ टी की जगह क्या आ जाएगा? एफ एस आ जाएगा।
और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 by π आएगा, क्या आएगा 2 by π, और ये वाला फंक्शन एस में चेंज हो जाएगा, डी टीचिंग है क्या आ जाएगा ds। तो ये वाले फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कोसाइन फॉर्मूला, द इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन फॉर्मूला फॉर द फंक्शन ft। कोसाइन के लिए भी जो t की लिमिट्स होंगी वो 0 से इन्फिनिटी तक रहेंगी, कोसाइन है तो नीचे हम c लिख देंगे, यहाँ पे f ऑफ t साइन ऑफ st था तो यहाँ पे f ऑफ t cos ऑफ cos st हो जाएगा। और जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो अगर आपको साइन का इन्वर्स याद हो जाता है तो cos का इन्वर्स बहुत ईजी याद हो जाएगा, 2 by π इंटीग्रेशन 0 से s f s s, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ st into ds। तो सिंपल फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले, टू ये दो और एक वो एक, पांच फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिख रखी है कि जैसे हमने यहाँ पे इसका वन, कुछ ऑथर्स क्या कर सकते हैं, कुछ बुक्स में वन और टू बाय पाई की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमने ये वाले फॉर्मूले, ये वाले जो सिंबल यूज़ करे हैं ना, उसकी जगह आपको सिंपली भी एफ एस और एफ सी एस लिखा मिल सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो हर किसी की अपनी नोटेशन अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे मीनिंग उसका सेम ही है, ठीक है। ओके, अब उसकी बात आती है प्रॉपर्टीज़, जैसे लैपलेस की प्रॉपर्टी थी, जैसे हमने लैपलेस पे अप्लाई किया था, फंक्शंस के अंदर अगर लैपलेस होता था तो हम अगर कांस्टेंट टर्म होती थी तो उसको बाहर लिख लेते थे और लैपलेस अंदर फंक्शन पे अप्लाई करते थे, होता था ना ऐसा। तो सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, देखो कैसे होती है, लीनियर प्रॉपर्टी, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर द टू फंक्शन हुज फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। हमें यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इन्होंने कह दिया कि उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है और सी वन एंड सी टू उसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है तो अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, सी वन क्या है, कांस्टेंट, एफ एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन, उसके अंदर ऐड कर आपने सी टू क्या है, सेकेंड कांस्टेंट, और जी एक्स क्या है, ये फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन की आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो किस तरह ओपन होगी, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, सेम एज इट इज़, सी टू यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एक्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जो लैपलेस में कंसेप्ट था, उसमें भी हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आते थे, ठीक है। दूसरा है, अगर ये तो था सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हमें साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो क्या होगा, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी यही होगा, जब आप इसके ऊपर साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे तो क्योंकि सी वन क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो बाहर आ जाएगा और इस पर साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी सी टू बाहर आ जाएगा, इस पर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगी। अगर आप कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कोसाइन में भी ये होगा, सी वन कॉन्सेंट है बाहर आ जाएगा, इस पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगी, इसमें कॉन्सेंट है बाहर आ जाएगा और इस पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का डिटेल प्रूफ दे रखा है, तो हम देख लेते हैं इनको। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बाय डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस एक्स, और यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना होता है, तो फंक्शन यहाँ पे कौन है, सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स डी एक्स, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी वन ई, देखो इस ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा सी वन ई रेज टू द पावर माइनस एस आयोटा एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इसके साथ भी आ गया, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी टू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये सी वन कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, सी टू कॉन्स्टेंट था बाहर ले लिया, अंदर ये टर्म एज इट इज, अंदर ये टर्म एज इट इज। अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स और जी एक्स, तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जी एक्स की, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, सी वन एफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स, तो ये वाली वैल्यू हमारी इसकी इक्वल आ गई, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज साइन के लिए होगा, देखो साइन के लिए था तो हमने क्या किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये एफ एस था तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एस एक्स आएगा, है ना, क्योंकि हमने देखा था ना, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है साइन के लिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होती है, जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और साइन ऑफ एस टी डी टी आ जाता है साथ में, है ना। तो यहाँ पे
इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी फंक्शन आ गया, साइन ऑफ एस एक्स आ गया और dx आ गया. ओके, सी वन एफ एक्स साइन एस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर साइन एस एक्स की इन दोनों के साथ, साइन एस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी सी टू जी एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स. ठीक है, अब आगे अप्लाई कर रखा है फॉर्मूला साइन का. देखो साइन का अप्लाई यहाँ पे नहीं कर रखा, साइन का फॉर्मूला अप्लाई इसमें क्या कर रखा है, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले रखा है, सी वन को बाहर ले लिया और सी टू को बाहर ले लिया. ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, देखो एफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या है साइन, एक मिनट जस्ट मिनट, आपको शो नहीं हो रहा था शायद. अब देखो पहले हमने सी वन को बाहर ले लिया, यहाँ से सी टू को बाहर ले लिया, अंदर ये टर्म बच गई, अंदर ये टर्म बच गई. देखो हम एफ एक्स किसको बोलते हैं, एफ ऑफ, हम अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म तो वो क्या होती है, ये होती है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी. तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, किसकी साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स की साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है. यहाँ पे ये किसकी साइन ट्रांसफॉर्म है, जी एक्स की. तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि एफ एस ऑफ जी एक्स, और इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एस ऑफ एफ एक्स, तो ये मैंने लिख दिया. ठीक है, सेम एज इट इज थर्ड वाला प्रूव हो जाएगा, कोसाइन है तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. ओके, अब आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जैसे वहाँ थी वैसे ही बिल्कुल डिटो यहाँ पे रहेंगी. एफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एस, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इज, जैसे कि अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ए को, तो हमारे रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वन बाय ए हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एस बाय ए हो जाएगा. ये स्केल प्रॉपर्टी है. ठीक है, सेकंड स्केल प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ एस एस, ये तो सिंपल के लिए थी, अगर साइन ट्रांसफॉर्म है तो अगर एफ एस डैश एस है तो अगर आप इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वन बाय ए हो जाएगा, एफ एस डैश हो जाएगा और एस बाय ए हो जाएगा. सेम एज इट इज़ कोसाइन के लिए होगा, अगर एफ एक्स की कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये है तो अगर आप इसके साथ a को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वन बाय ए एफ डैश सी एस बाय ए हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब इसका यहाँ पे क्या दे रखा है, तीनों प्रॉपर्टीज़ का डिटेल प्रूफ दे रखा है, तो हम देख लेते हैं एक बारी. देखो हमें पता है कि एफ डैश एस क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी निकालनी है, एफ ऑफ ए एक्स की, एफ ऑफ ए एक्स की निकालनी है. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स आ जाएगा. ये किसकी ट्रांसफॉर्म थी, एक्स की, ये किसकी है, ए एक्स की. अब हमने क्या किया, ए एक्स को डिपुट कर दिया, इसका डेरीवेटिव करो, इसका डेरीवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो यहाँ पे पुट कर दो इसको, देखो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा, ये क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है आपके पास, s है और साथ में क्या है, x है. तो हमने किसको पुट किया था, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, t बाय ए. तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, t बाय ए, एफ ओ, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, t बाय ए, और ये a तो था ही. ठीक है, तो ये सारा फंक्शन अब ए टी में बन गया. अब ये वन बाय ए कॉन्स्टेंट है, इसको ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस बाय ए टी, और यहाँ पे क्या बन गया, एफ ऑफ टी डी टी. तो ठीक है, ये तो एज इट इज रही. अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस बाय ए टी एफ टी डी टी. तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गई, एस बाय ए, क्योंकि यहाँ फंक्शन कौन है, ये एस बाय ए है. तो मैंने इसको लिख दिया एफ बार एफ डैश एस बाय ए. ठीक है, तो ये आ गया इसके इक्वल, तो हमें यही प्रूव करना था. सिमिलरली साइन के लिए हो जाएगी. देखो आपको पता है कि साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ये होता है. हमें किसके लिए निकालना है, ए एक्स के लिए निकालना है. तो क्या हो जाएगा, एफ एस एफ ओफ ए एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ ओफ ए एक्स आ जाएगा. ए एक्स को टी पुट कर दो, अगर ए एक्स को टी पुट करेंगे तो ए डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे एक्स के लिए क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, साइन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस और क्या है, एक्स. एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टी बाय ए, टी बाय ए. डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी बाय ए. वन बाय ए कॉन्स्टेंट, इसको ले लो बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन ऑफ एस बाय ए टी और डी टी. सिर्फ इस वाले को बाहर ले लिया हमने, इस वाले ए को बाहर ले लिया, बाकी सारी टर्म एज इट इज रही. अब इसको ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन ऑफ एस बाय ए इंटू टी डी टी, किसकी साइन ट्रांसफॉर्म है, ये एस बाय ए की. तो इसको हमने ये लिख दिया.
तो हमें यही प्रूव करना तो हो गया। सिमिलरली थर्ड हो जाएगी, थर्ड में जहाँ साइन है वहाँ कोसर रहेगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये थी स्केल प्रॉपर्टी, अब देखते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इफ़ एफ डैश एस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, देन शो दैट ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ए एस एफ डैश एस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए। मतलब अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स माइनस ए कर दें तो इसके साथ क्या होगा, ए की पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। हम करते थे ना कि अगर फंक्शन के साथ हम ए की पावर को मल्टीप्लीकेशन में कर दें लैपलेस में, तो आंसर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे वही है कि अगर ऐसा है तो अगर इसके साथ ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ए एस आ जाता है तो फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए हो जाता है, और अगर ये है तो ये होगा। मतलब अगर एफ एक्स की ट्रांसफॉर्म ये है तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए की ट्रांसफॉर्म ये होगी। देखो कैसे होगी, हमें किसकी निकालनी है, एक्स माइनस ए की निकालनी है, तो हम किसको लेके चलेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और फंक्शन यहाँ पे कौन है, एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स माइनस ए को टी पुट किया तो डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो यहाँ पे देखो माइनस आयोटा एस था, एक्स को क्या पुट करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्लस ए। यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर सकती हूँ मैं, टी प्लस ए। एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या था, टी, यहाँ पे क्या आ गया, टी, यहाँ पे क्या आ गया, डी टी। माइनस आयोटा ए एस, देखो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ए एस और माइनस आयोटा एस टी, ये बनेंगे ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। फिर एफ टी इंटू डी टी, अब ये वाला फंक्शन माइनस आयोटा एस टी तो हमारे पास हमें डेफिनेशन की वजह से चाहिए होता है, क्योंकि ये फंक्शन टी का है तो हमें टी तो चाहिएगा ताकि हम डेफिनेशन अप्लाई कर सके। तो इस वाले को बाहर ले लिया, इस वाले को अंदर रखा, तो ये वाला तो एज इट इज रहेगा। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी। तो ये किसकी ट्रांसफॉर्म बन गई, ये ट्रांसफॉर्म बन गई एस की। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस बन गया, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस जनरल फॉर्मूला बन गया एफ एस का। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो आप खुद देखो कि ये चैप्टर किस पे बेस है, बिल्कुल लैपलेस ट्रांसफॉर्म पे बेस है। अब हमारा इसमें लास्ट रह गया मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन में नेम से भी पूछ ली जाए आपसे व्हाट इज मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो याद रखना क्या होती है, देखो इफ एफ डैश एस इज एन इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कॉस ए एक्स इज गिवन बाय दिस। अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है तो एफ एक्स इंटू कोस ए एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन हाफ ऑफ एफ डैश एस माइनस ए प्लस हाफ ऑफ एफ डैश एस प्लस ए ये होगी। ठीक है, तो देखो हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है इसकी, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ए एक्स किसके इक्वल होगा, बाई डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स, फंक्शन कौन है यहाँ पे, एफ एक्स कोस ए एक्स डी एक्स लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे हम cos ax का फॉर्मूला। ये वाला cos ax का फॉर्मूला वो है जो हम चैप्टर 5 करते थे, तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ। आप यहाँ पे अपनी बुक्स में नोट भी कर लेना कि ये कौन से पेज का फॉर्मूला है, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस करो तो आपको इजी हो जाए। ठीक है, देखो ये ना हमें किसका फॉर्मूला चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था cos ax का फॉर्मूला चाहिए था ना। देखो साइन हाइपरबोलिक का है ये, और यहाँ पे है कॉस का फॉर्मूला, ये देखो ये रहा साइन का फॉर्मूला होता है, तो ये होता है ई रेज़ टू द पावर, अगर कॉस का होता है तो ई रेज़ टू द पावर ए टी प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कॉस ऑफ ए एक्स है, तो क्या हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दिया, उसके बाद 1/2 को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर आयोटा है यहाँ पे, यहाँ पे और क्या है, देखो ये देखो एस है, एक्स है और ए एक्स है। देखिए जब आप ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स की मल्टीप्लीकेशन करोगे ई रेज टू द पावर आयोटा ए एक्स, ये है। ठीक है, तो देखो ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा अगर हम इसमें से बाहर ले लें, और क्योंकि इन दोनों में ही x है, बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो मुझे इसको क्या करना है, बेसिकली ऐसे ऐड करना है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा अगर मैं बाहर ले लूँ, और इन दोनों में से x को मैंने x को भी बाहर ले लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा s माइनस ए।
तो इस टर्म को हमने इस तरह से लिख दिया, साथ में एफ एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब इन दोनों टर्म्स की हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे भी एक्स कॉमन है तो माइनस इन आयोटा इसमें है, माइनस आयोटा इसमें है, माइनस आयोटा बाहर ले लिया, यहाँ पे एक्स कॉमन एक्स को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एस प्लस ए। ठीक है, तो वन बाई टू। अब ये देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा, ये फंक्शन है, यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गई एस माइनस ए की। वन बाई टू एज इट इज़, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ई रेस टू दी पावर ये है, साथ में एक्स है, तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गई एस प्लस ए की, क्योंकि दोनों में वन बाई टू कॉमन था तो हमने वन बाई टू को थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस माइनस ए प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस ए। तो यही आपको प्रूव करना था, तो याद रखना कि मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब इसकी बेस पे आपकी बुक में पांच एग्जांपल हैं, तो इन पांचों के पांच एग्जांपल्स को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।